माननीय श्री जगसी राम। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार से आग्रह है कि वर्ष 2019 से अगस्त 21 की अवधि के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षाकर्मी विद्यालयों, मूक बधिर विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहले से ही बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षिकाओं, अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के रिक्त पद होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में इन स्कूलों में शैक्षिक स्टाफ का स्थानांतरण अन्य जिलों में कर दिया गया है। ऐसे हालात में रेवदर विधानसभा क्षेत्र के सभी स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य ठप से हो चुका है। छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों में बड़े संख्या में किए गए तबादलों से भारी रोष पनप चुका है। आए दिन क्षेत्र की स्कूलों में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा तालाबंदी करने धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उक्त में से अधिकांश विद्यालय अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं गरीब तबके के मध्य संचालित हैं, जहां पहले से ही शिक्षा की दृष्टि पिछड़ापन है। स्कूलों से शैक्षिक स्टाफ हटा लिए जाने से इन स्कूलों की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है और सरकार को विभिन्न माध्यमों से क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय विधायक की ओर से बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक रेवदर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरे जाने या पूर्व में किए गए तबादलों को निरस्त करते हुए पुनः शिक्षकों को लगाने जाने की कोई पहल नहीं की गई है। अतः सरकार से निवेदन है कि छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए अविलंब रेवदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी स्कूल में रिक्त चल रहे शैक्षिक स्टाफ के पदों को भरने का श्रम करावे। धन्यवाद। माननीय श्री जगदीश चंद्र। सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत विधान